सेना की गाड़ी पर हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में चीन के बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। गोलियां चलाने के बाद ग्रेनेड फेंका गया और सेना की गाड़ी में गोलियों से छेद हुए हैं। और देखिए, बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। एनआईए की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही थी। 3 सदस्य टीम वहां के लिए रवाना की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच की गई और जांच में जो चीज सामने आई है, देखिए जो बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, चीन के बुलेट इस्तेमाल हुए थे इस पूरे हमले के दौरान। हालांकि अभी और भी जांच पड़ताल की जा रही है, पर प्राथमिक जांच में जो एक बड़ा खुलासा इस पूरे हमले को लेकर हुआ है, जो बुलेट है वो चीन की है और गोलियां चलाने के बाद एक ग्रेनेड फेंका गया था, ये खुलासा भी इस पूरे हमले को लेकर के हुआ है। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पहले गोलियां चलाई गई, चीन के बुलेट का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद में ग्रेनेड फेंका गया, जिस वजह से टैंकर जल गया और उसमें मौजूद हमारे भारतीय 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान पूरी तरह से घायल हुआ है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे लगातार सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सजा कड़ी सुनाई जाए। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है और उन आतंकियों की खोजबीन की जा रही है कि आखिर कौन थे वो आतंकी जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पर फर्स्ट इंडिया ये बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले को लेकर बता रहा है कि जो बुलेट इस्तेमाल की गई थी वो चीन की बुलेट थी। सबसे पहले गोलियां चलाई गई थी, चीन के बुलेट का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद में ग्रेनेड फेंका गया था। और ये बड़ा खुलासा इस पूरे हमले को लेकर लगातार आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, गहनता से अब जांच पड़ताल की जा रही है, एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन भी अब चलाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे फर्स्ट इंडिया पर, किस तरह से डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, बड़ी तादाद में प्रशासन मौके पर मौजूद है और आतंकियों की खोजबीन की जा रही है। पुंछ आतंक के हमले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई पुंछ आतंकी हमले की जानकारी। आर्मी चीफ ने की रक्षा मंत्री से बात और पुंछ आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। जम्मू से भेजी जा रही एनआईए की टीम और एनआईए की 3 सदस्यीय टीम अब घटना स्थल पर रवाना हो चुकी है। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था और ऐसे में इस पूरे हादसे में, इस पूरे हमले में गाड़ी में आग लगने से 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, जबकि 1 जवान बुरी तरह से घायल हो गया है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच की जा रही है, एनआईए की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। में अस्पताल में भर्ती है, भगवान करे कि उसकी वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो फिर से हमारे वीर जवान की तरह हमें जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए फिर से जो है ड्यूटी पर आ सके। और भगवान करे कि हमारे जितने भी सैनिक हैं उन सभी की जो भगवान करे जितने भी हमारे सैनिक हैं उन सभी के परिवार को इतनी सहन शक्ति मिले कि वो इस दुख भरी घड़ी से जो है पार आ सकें। मैं ये सरकार से जो अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले की जल्द से जल्द तहत होनी चाहिए और जितने भी आतंकियों ने जो ये हमला किया है उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी मौत की सजा सुनाई जाए ताकि आगे से कोई भी ऐसा आतंकी ऐसा करने से 1000 बार सोचे और 1000 बार डरे इस बात को करने से। और ये देखिए, छोटे से बच्चे को आप सुन रहे थे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरा नाम शालिनी भगत है। किस लिए आए यहाँ पे आप? एक्चुअली आई केम हेयर टू पे होमेज फॉर दोज आर सोल्जर्स हु वर मार्टर्ड इन अ टेररिस्ट अटैक इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी वॉन्ट टू पे आर होमेज टू दोज सोल्जर्स हु वर मार्टर्ड एंड आर चीफ जनरल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह एंड चीफ जनरल मनोज पांडे ऑल्सो पे देयर कंडोलेंसेज इन द ट्विटर अकाउंट एंड दे से दैट इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर दोज टेररिस्ट हु अटैक दोज सोल्जर्स हु वर सर्विंग देयर ड्यूटी दे वर मूविंग फ्रॉम भीमगढ़ गली टू द सेयोन एट 3 PM एंड सम टेररिस्ट अटैक देम एंड द व्हीकल कॉट फायर एंड 5 soldiers वर किल्ड एट अ moment and some other were also injured. As per the sources, 1 soldier was also injured and we want to pay our respect to those soldiers who were died in this attack.
और देखिए तमाम बच्चों को आप सुन रहे थे कि किस तरह से श्रद्धांजलि उन बच्चों के द्वारा अर्पित की जा रही है, क्योंकि 5 हमारे भारतीय जवान इस पूरे हमले में शहीद हो चुके हैं। और इन बच्चों के द्वारा आपने ये भी सुना होगा कि ये लोग मांग कर रहे हैं, लगातार इसी चीज की मांग की जा रही है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है हमारे भारत के 5 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि एक जवान हमारा बुरी तरह से घायल है। जी, सबसे पहले तो हम दीवानगंज स्कूल की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं उन जवानों को जो शहीद हो गए कल 20 अप्रैल को पुंछ से डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा आतंकी हमला हुआ है जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत शर्मनाक बात है इन आतंकियों के लिए जो हमारे जवानों को ऐसे मतलब अटैक करते हैं। तो अच्छा, बात क्या थी कि वो जवान जो थे वो बीमागली डिस्ट्रिक्ट जो है एक एरिया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से लेके सियोट को जा रहे थे अपने कॉन्वॉय में, और वहाँ पे उनको रास्ते में पहले उन्होंने आतंकियों ने गोलियों से उन पर हमला किया। तो उन्होंने जब देखा कि इसका कुछ असर ज़्यादा नहीं हो रहा तो उन्होंने एक उन पर बम फेंका जिसकी वजह से उनकी गाड़ी में आग लग गई। और अचानक से उसी टाइम पे चार जवान तो हमारे वहाँ पे जल के झुलस गए, उसी टाइम पर उनके वो शहीद हो गए। और जो एक जवान था वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी थे, उनको उधर से एयरलिफ्ट किया गया मतलब वाहन की तरफ से उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, पर उनकी जान भी नहीं।